आज डिस्कस करेंगे फोर्स सिस्टम इन ड्रिलिंग। हम जानते हैं ड्रिलिंग क्या होती है। किसी भी वर्क पीस के अंदर अगर हमारे पास कोई वर्क पीस है, उसके अंदर अगर हम कोई होल क्रिएट करते हैं तो उसको हम ड्रिलिंग बोलते हैं। और ड्रिलिंग के लिए हम यूज करते हैं ड्रिल बिट का। तो ड्रिल बिट को जब हम यूज करते हैं होल बनाने के लिए, तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं, आज वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रिल बिट का डायग्राम बनाते हैं, तो देखते हैं किस तरह का डायग्राम है और कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं। ये होता है लिप, जो ड्रिल बिट का लिप होता है, ये लिप्स होते हैं दोनों। और ये होता है डेड सेंटर, जो हमने नोमेनक्लेचर में डिस्कस किया था ड्रिलिंग के। तो ये लिप्स कटिंग में काम करते हैं और ये फ्लूट्स के साथ जुड़े होते हैं। इनके अंदर फ्लूट्स कटे होते हैं, तो जो फ्लूट्स हैं वो इस तरह से कटे होते हैं। ये फ्लूट्स क्या काम करते हैं, ये फ्लूट्स जो मटेरियल रिमूव होता है वो इन फ्लूट्स से होकर जाता है। तो ये हैं फ्लूट्स, जो ये हैं फ्लूट्स। तो इस तरह के फ्लूट्स इस ड्रिल बिट में कटे होते हैं। मान लीजिए कोई सरफेस है जिसके अंदर हमें ड्रिलिंग प्रोसेस करनी है, ये कोई सरफेस है, तो ये लिप सबसे पहले ये जो डेड सेंटर है वो उसके कांटेक्ट में आएगा और फिर इस पे हम फोर्स लगाएंगे। मान लीजिए हम पी प्रेशर अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, ताकि ये सरफेस के अंदर पेनेट्रेट हो सके। और जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मान लीजिए इस तरह से है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये रोटेट भी होगा और इसके ऊपर हम प्रेशर भी अप्लाई करेंगे, तो वो इस सरफेस के अंदर पेनेट्रेट होगा। तो जब पी हम इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, तो इस लिप्स के ऊपर जो इसके लिप्स हैं ड्रिल बिट के, कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी, तो वो ऑपोजिट फोर्सेस होंगी जो एक्ट करेंगी। सबसे पहले जब हम पी ऊपर से इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे ताकि सरफेस के ऊपर ही पेनेट्रेट हो सके, तो इसके एक ऑपोजिट फोर्स एक्ट करेगी बिल्कुल डेड सेंटर पे, वो होगी एफ वी। एफ वी क्या है, सबसे ज्यादा फोर्स होती है इस डेड सेंटर पे जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है पी के, तो एफ वी तो लगेगी डेड सेंटर पे। इसी तरह से इन दोनों लिप्स पे भी एफ जो वर्टिकल फोर्स है एफ वी वन, और इधर भी हम ले लेंगे उसको एफ वी वन, तो दो फोर्सेस और एक्ट करेंगी इन लिप्स के ऊपर जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। अब इस एफ वी वन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो और फोर्सेस लगेंगी, जो वी का मतलब है वर्टिकल, जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस लगी हैं। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस और लगेंगी, जो होंगी एफ एच। एफ एच मीन्स हॉरिजॉन्टल फोर्स, एच का मतलब है हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेंगी, जो इसको बैलेंस करेंगी, और वो इक्वल और ऑपोजिट होंगी। दोनों ही फोर्सेस ये इक्वल और ऑपोजिट होंगी, तो ये फोर्सेस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इसके अंदर एक्ट करेंगी यहाँ इस पोर्शन में। अब और कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एक फोर्स होती है एफ, हम उसको ले लेते हैं एफ एफ वन, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। जब इसके अंदर से मटेरियल रिमूव होगा तो वो इन फ्लूइड्स से जाएगा, तो इन फ्लूट के साथ जो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगी चिप्स की, उसको बोलते हैं एफ एफ वन फ्रिक्शनल फोर्स। ये तो एक है फ्रिक्शनल फोर्स वन, एक होती है एफ एफ टू। जब मटेरियल रिमूव हो रहा है और वो इन फ्लूट से ट्रेवल कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ एफ वन हमारी लगेगी, जो ओपोज करेगी उसका। दूसरा एफ एफ टू फोर्स क्या है, जब ये ड्रिल बिट रोटेट कर रही है इस सरफेस के अंदर, तो जो ये फ्लूट्स हमने काटे हैं, जो इनका मार्जिन होता है, जो पीछे हमने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर में, जो मार्जिन है वो इस होल की दीवार के साथ रब करेगा हल्का हल्का, वो होती है एफ एफ टू मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स टू। तो दो फ्रिक्शन फोर्स हमारी एक्ट करती हैं जब ये रोटेट करता है। तो अब देखिए जो पी है, जो हमने ये पी अप्लाई किया, ये प्रेशर जो हम नीचे अप्लाई कर रहे हैं वो रेजिस्टिंग फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए रेजिस्टिंग फोर्स से, जो रेजिस्ट करेंगी इसको अंदर आने से। तो वो कौन कौन सी हैं,
तो पी किससे बड़ा होना चाहिए? पी बड़ा होना चाहिए, यहां पे देखिए, एक तो एफ वी है, ऊपर की डायरेक्शन में है, तो एफ वी प्लस दो फोर्सेस और हैं जो एफ वी वन और एफ वी वन है, तो ये वन प्लस वन 2F V1 हो गई, प्लस जो ये फ्रिक्शन फोर्स है ये भी इसको घूमने से रोकेगी, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी, तो इसको भी इसको रजिस्ट करना होगा, तो प्लस F F1, और प्लस जो दूसरी फ्रिक्शनल फोर्स है जो इसका मार्जिन इनके होल्स के साथ टकरा रहा है और वो फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, तो F F2। तो इन सबसे बड़ा होना चाहिए पी, इन सारी फोर्सेस से बड़ा होना चाहिए ये जो पी है जो हम नीचे की तरफ अप्लाई कर रहे हैं। तो जो ये पी है, अब इसके अंदर जो फोर्सेस हैं वो कौन सी ज्यादा हैं और कौन सी कम है, तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज का हिसाब लगाएं तो सबसे ज्यादा बड़ी एफ वी फोर्स है जो बिल्कुल डेड सेंटर पे लगती है, इसकी परसेंटेज होती है लगभग 60%, ये 60% के करीब हमारी लगती है जो अपोजिट होती है। और जो ये एफ वी वन है ये लगभग दोनों मिलके 37% अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं अपोजिंग फोर्स में, अगर हम इसको पूरे को 100 माने तो। उसके बाद जो एफ एफ वन है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो चिप इसके अंदर से फ्लो कर रहे हैं, वो लगभग सिर्फ होती है 1% के करीब। और जो एफ एफ टू है जो कि इसके मार्जिन का होल की दीवारों के साथ कॉन्टैक्ट है और फ्रिक्शन है, वो होती है लगभग 2% फोर्स। तो इस तरह से ये पूरा मिलके 100% बनता है जो हमारा रजिस्टिंग फोर्स है। तो पी को इससे बड़ा होना है इन सब से। तो यहाँ पे देखिए 1% और 2% को हम लगभग नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि ये कोई भी एक्ट नहीं कर रही जो हमारे चिप फ्लो कर रहे हैं फ्लूट से और इसकी होल की दीवारों के साथ, वो लगभग नेग्लिजिबल है। तो जो हमारा पी है वो हमारा इक्वल रह जाता है सिर्फ एफ वी प्लस 2F V1 से। तो इतनी हमें प्रेशर जरूर अप्लाई करना पड़ेगा अगर हम इसको इसके अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं। और दूसरा ये तो है कि इस हमने प्लेन व्यू में देखा, जब हम टॉप से देखेंगे तो इसका जो टॉप व्यू है या बॉटम व्यू है वो इस तरह का बनता है, इस तरह का हमारे पास बनता है, इसके अंदर फ्लूट कटे होते हैं, ये फ्लूट है, ये डेड सेंटर है, ये डेड सेंटर है, और ये जो कटे हैं फ्लूट्स है। तो इसके अंदर जैसे ये तो हमारी एफ वी थी, एफ एच थी, अब एफ एच के नॉर्मल हमें यहाँ पे फोर्स दिखेगी कि एक और फोर्स है जो एफ जेड के नाम से इस एफ एच के बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, इसी तरह से इस पे भी एफ जेड, जो इसकी टर्निंग है ये क्लॉकवाइज है उसको रजिस्ट करने की कोशिश करेगी। तो एफ जेड यहां तक का डिस्टेंस हम ले लेते हैं इस पॉइंट तक का एस, तो एफ जेड जो टर्निंग मोमेंट रहेगी या फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप इसको बोल सकते हैं, जो रेजिस्टेंस मिलेगा मोमेंट को घूमने को, तो वो क्या होगी, एफ जेड इंटू एस। तो ये भी हमें अगर हम इसका बॉटम व्यू देखेंगे तो एफ जेड इंटू जो एस है वो रेजिस्टिंग मोमेंट मिलेगा जो इस मोमेंट को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से सारी फोर्सेस एक्ट करती हैं हमारी ड्रिल बिट के ऊपर। तो ये थी सारा फोर्सिंग सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग का। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।